फोर इवनिंग प्राइम टाइम का सुपर बुलेटिन नॉन स्टॉप बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे क्या आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी के मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई। वारदात के बाद पुलिस के हाथ सीसीटीवी के सबूत लगे, लेकिन कितने चेहरे पहचाने गए, पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बताऊंगा कि ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट के एक और फैसले से कैसे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। साथ ही बताऊंगा कि मुस्लिम पक्ष के किस मौलाना ने दिया भड़काऊ बयान, बात संदेश खाली की भी होगी। कैसे संदेश खाली की महिलाओं का सब्र टूटता जा रहा है, गुस्सा फूटता जा रहा है, ममता सरकार क्या कर रही है, सारे अपडेट एक साथ आपके सामने होंगे। इसके अलावा एक खबर जो चेतावनी बनकर सामने आई, खबर जुड़ी है सोशल मीडिया स्टार अनामिका बिश्नोई से कि अनामिका के हजारों फॉलोअर ही उसके मर्डर की वजह बने। डिटेल के साथ पूरी रिपोर्ट में दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बात होगी आईएनएलडी के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी के मर्डर से जुड़ी हुई, जो कि नफे सिंह हत्याकांड की सीबीआई से हरियाणा सरकार कराने जा रही है। नफे सिंह हत्याकांड की सबसे बड़ी खबर यह कि गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान कर दिया कि सदन की तसल्ली के लिए अब नफे सिंह मर्डर का काम जो संभालेगी वो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ना कि कोई भी स्टेट एजेंसी। उन्होंने कहा कि हमलावरों की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ चुकी है, कार सवार हमलावरों को पहचानने की कवायद शुरू की जा चुकी है, लगभग 20 राउंड फायरिंग इन बदमाशों ने की थी। अभी तक पुलिस के हाथ में दो आरोपी लग चुके हैं जिनको हिरासत में लिया गया। गाड़ी कहां की है यह पहचाना जा चुका है। हमलावरों के चेहरे जो कि आरोपी थे उनके चेहरे सामने आ चुके हैं। दो इस वक्त हिरासत में हैं जिनकी निशानदेही पर आगे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन नफे सिंह के मर्डर के बाद हरियाणा का सियासी तूफान इस वक्त चरम पर है। एक तरफ जहां इस वारदात के बाद राजनीति तेज है, तो कुछ लोग राज्य में बदमाशों के हौसले बुलंद होने का आरोप लगा रहे हैं। हमलावरों ने बाकायदा घेराबंदी की और 20 राउंड की फायरिंग की, नफे सिंह को मौत के घाट उतारे। इस हत्याकांड के बाद नफे सिंह के समर्थक नाराज हैं और सड़कों पर हैं। इसी बीच 5 हमलावरों का सीसीटीवी सामने आया, ये सभी एक कार में सवार थे। 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरी कहानी आप समझिए कि अभी तक कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो नफे सिंह हत्याकांड को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। हरियाणा के अंदर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। नफे सिंह हत्याकांड को लेकर के अभय सिंह चौटाला की तरफ से पहला बयान आया। अभय सिंह चौटाला ने सीधा सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और कहा कि अभय सिंह की जो हत्या की गई वो हत्या नहीं बल्कि पॉलिटिकल मर्डर है, ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। नफे सिंह हत्याकांड को लेकर के पहला जो रिएक्शन अभय सिंह चौटाला का आया वो आपके सामने, वो कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही से ये हत्याकांड हुआ और ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। जबकि चौधरी नफे सिंह राठी को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन को ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ FIR कराई गई है हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने SP को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो। लेकिन बदमाशों ने किस कदर नफे सिंह को मौत के घाट उतारा, कैसे उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कैसे पूरी वारदात को अंजाम देते हुए चीजें सामने आई, एक खास रिपोर्ट तरह देखिए। गाड़ी पर गोलियों के निशान को गौर से देखिए, ये निशान बता रहे हैं कि इस गोली वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। इतनी गोलियां बरसाई कि गिनती करते करते थक जाएंगे। गोलियों से पूरी गाड़ी छलनी हो गई। गाड़ी का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां गोलियों के निशान नहीं है। लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ गोलियों के निशान हैं। फॉर्च्यूनर कार के तो शीशे गोलियों से चकनाचूर हो गए, जबकि गाड़ी छेदते हुए गोलियां आर पार हो गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हमलावर ने इस खूनी वारदात को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया। INLD हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनको थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि हमलावरों के टारगेट पर हैं। अचानक सफेद कलर की I-10 कार में करीब 5 बदमाश आए और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की। शूटर्स ने करीब 20 राउंड फायरिंग की और INLD नेता को गोलियों से छलनी कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को साफ साफ देखा जा सकता है।
गंभीर हालत में INLD नेता को बहादुरगढ़ के अस्पताल में लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शूटआउट में नफी सिंह के साथ गाड़ी में बैठे एक और शख्स की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और बॉडीगार्ड को भी गोलियां लगी हैं। इस प्री प्लान्ड मर्डर कांड को किसने और किस वजह से अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। हरियाणा के INLD प्रदेश अध्यक्ष और दो बार के विधायक की सरेआम मर्डर से हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है। तो नफी सिंह की हत्या के बाद समर्थक गुस्से में हैं। बहादुरगढ़ में नफी सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। समर्थकों का कहना यह कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। नफी सिंह के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से तस्वीरें सामने आई जहां पर आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है नफी सिंह के समर्थकों के द्वारा, और एक मांग रख दी गई कि जब तक नफी सिंह के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक नफी सिंह का अंतिम संस्कार उनके समर्थक नहीं होने दें। अब जरा सवाल है कि INLD नेता नफी सिंह राठी का बदमाशों ने मर्डर कैसे किया, जरा विस्तार से समझिए। दरअसल राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ तक जा रहे थे। वो हमलावरों के टारगेट से पूरी तरह से अनजान। जान से मारने से पहले बदमाशों ने कई किलोमीटर तक नफी सिंह का गाड़ी से पीछा किया और फिर एक रेलवे क्रॉसिंग पर नफी सिंह की गाड़ी को रोका और चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया। नफी सिंह कुछ समझ पाते उसके पहले बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू करी और लगभग 20 फायरिंग की गई। वारदात को अंजाम दिया और जैसे उनको यकीन हुआ कि नफी सिंह मर चुके हैं, उसके बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। ये पूरी क्रोनोलॉजी रही नफी सिंह मर्डर को अंजाम देने की, कैसे उनकी रेकी की गई, कैसे रेलवे क्रॉसिंग पर पूरा घेर लिया गया और कैसे घेर करके गोलियों की बौछार कर दी। इस मर्डर केस की जहां पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो वहीं संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही, तो वहीं इसने हरियाणा का सियासी तापमान को और बढ़ा दिया। शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने उपरांत अपने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 DSPs की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कराएंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस से कोई बातचीत? मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है अभी तक, और अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पोस्टमार्टम जब कराएंगे जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा पुलिस मुस्तैदी से जो भी लोग हैं जिन्होंने ये क्रिमिनल हत्या किया है उन तक शीघ्र ही पहुंच जाएगी। वारदात हुई, वारदात के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पूर्व MLA नरेश कौशिक पर भी केस दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कि इस केस में खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ भी सामने आ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से लॉरेंस ने इस पूरी साजिश को रचा और उसको अंजाम दिलवाया। काला जठेडी गैंग पर वारदात को अंजाम देने का शक है। माना यह जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे एक प्रॉपर्टी का विवाद जुड़ा है, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने काला जठेडी गैंग को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो वही नफी सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि उनके पिता पिछले 5 सालों से सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। टाइम्स ऑन भारत संवाददाता अभिषेक राज ने उनसे बातचीत की, अब सुनिए जरा। सर क्या कहेंगे, इतना दुख की घड़ी है, इस तरीके से गोली मारी गई है, अब क्या आप लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए? आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग। सर उनके पिता, आपके पिता जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे थे, कई सारे पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात भी सामने आ रही थी, पहले भी आप लोगों को डर लगा था या शक हुआ था ऐसा? पहले भी कई बार थ्रेट आया था CID की, यहाँ की आप रिपोर्ट भी मंगा के देख सकते हैं, लोकल CID की रिपोर्ट थी हमारे पास, जेल में से भी कई इनपुट आए थे और बार बार जो विरोधी थे जिनका अब FIR में नाम आया है, बार बार ये कहते थे कि भी अतीक को मरना होगा। मेरे पिताजी को ये बार बार अतीक कहते थे, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ या मर्डर हुआ वैसे ही ये चाहते थे कि मेरे पिताजी का वो होगा। तो आपको लगता है प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है और एक प्लानिंग के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? बिल्कुल, इसमें प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास जो CCTV फुटेज आई है उसमें जो गाड़ी के अंदर किलर बैठे थे
वो लगातार किसी से फोन पे संपर्क में थे, तो इसमें जैसे जल्दी जितना जल्दी पुलिस अगर तफ्तीश करके और सच्चाई को सामने लाएगी तो जो उतनी जल्दी मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे और जो कल्प्रिट है वो भी सामने आएंगे। अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है आप पुलिस की? जांच क्या हुई है अभी तक? ना तो हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जब कितना बड़ा हादसा हो गया, पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। और बात ज्ञानवापी की, ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के पक्ष में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ठुकरा दिया। ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष, और पैरा नंबर 127 में पूरा कॉन्क्लूड हाईकोर्ट ने कर दिया कि आखिरकार कैसे इस मामले में सरकार का दखल आया, कैसे पिछले 3 दशकों से हिंदू पक्ष वंचित रहा पूजा के अधिकार से, और ये पूजा का अधिकार उनको उनके पास बरकरार रहेगा। लेकिन हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद अब ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इस याचिका को दाखिल करते हुए कहा कि ये पूजा अर्चना रुकनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष समेत ऐसी जो 5 याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया, जिसके बाद अब कानून का रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं कि वहां से इस मामले में क्या फैसला आता है या कैसे दलीलें रखी जाएंगी। आपको बताऊं कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया। मतलब साफ है कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बल्कि अपडेट यह कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष इस वक्त जा चुका है। इससे पहले 5 ऐसी याचिकाएं थी जिनको हाईकोर्ट ने खारिज किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने तलगृह में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी के तलगृह में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 17 और 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 CPC में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया। आम आदमी की भाषा में समझे तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस चुनौती को खारिज किया। बता दें कि इस मामले में 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। और आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या क्या कहा है, वो एक एक पॉइंट आपके सामने, वो पॉइंटर क्या क्या है जरा तफसील से समझिए। पॉइंटर में कहा गया कि 1937 से 1993 तक तहखाने पर मुस्लिम पक्ष का अधिकार नहीं रहा है, ये पॉइंट गौर करने वाला। हिंदू पक्ष साल 1951 से इस जगह पर कब्जे को साबित करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 1993 से धार्मिक पूजा और अनुष्ठान लगातार रोकने का काम जो था गलत है, तत्कालीन जो यूपी सरकार थी, मुलायम सरकार, नागरिक अधिकार को राज्य की मनमानी और कार्रवाई से छीना नहीं जा सकता, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है, वही इस मामले में लागू होती है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यास परिवार को तहखाने में धार्मिक पूजा से किसी भी तरीके की मनमानी करके पूजा से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि तहखाने में भक्तों द्वारा पूजा और अनुष्ठान रोकना उनके हितों के विरुद्ध है, जो संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए हैं 25A के तहत, उसके भी विरुद्ध होगा अगर रोका जाता है। तो वहीं फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक
विश्वभूषण मिश्र ने साफ कहा कि जो व्यवस्था जिला अदालत के फैसले के बाद थी व्यवस्था जारी रहने वाली। तो हमें पहले से जो व्यवस्था हम लोगों ने माननीय जिला जज के आदेश के क्रम में बनाई थी इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो नियमित रूप से 6 समय की हमारी आरती चल रही है वो चलती रहेंगी। अखंड रामायण का पाठ व्यासी तहखाने में चल रहा है उसका प्रबंध भी जिला जज के आदेश पर जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया गया है यह यथावत रहेगा और जैसा भी न्यायालय का आदेश उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस बीच ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष का विवादित बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय कोर्ट की तुलना पाकिस्तान जैसी हो रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये बयान सामने आया कि जो भारतीय कोर्ट हैं वो पाकिस्तान जैसे हैं। ये विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान का कत्ल किया जा रहा है। वाराणसी जिला जज के फैसले पर सवाल उठाए, हाईकोर्ट के आज के फैसले पर संदेह जताया और कहा कि प्रशासनिक अधिकारी ने जो काम किया वो भी संदेह के घेरे में आता है। नहीं, जितनी एजेंसी इस पूरे मामले में रोल में आती हैं उस हर एजेंसी पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सवाल उठा दिए। तो बयान आपने सुना, अब चलिए आपको ग्राफिक के जरिए जरा अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से देश के मुसलमानों को भड़काने का जो बयान जारी किया गया वो बताता हूं कि बयान क्या है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान का कत्ल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को अब कोर्ट पर भरोसा नहीं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि पाकिस्तान की अदालतें वहां के ताकतवरों के गुलाम। उन्होंने कहा कि हमारे देश की कोर्ट भी पाकिस्तान के रास्ते पर यानी जो ताकतवर हैं उनके गुलाम है। खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश क्या है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की है। 31 जनवरी 2024 को काशी में संविधान का कत्ल हुआ था क्योंकि ये वो तारीख जब कोर्ट के फैसले के बाद पूजा पाठ शुरू। उसी दिन कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का फैसला सुनाया और इसलिए कहा गया कि उस दिन संविधान का कत्ल हुआ और इसके लिए बनारस के प्रशासन से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के और कोर्ट तक अंजुमन इंतजामिया कमेटी की नजर में हर कोई मुजरिम। प्राइमेट फोर में बात अब किसानों के आंदोलन की, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर, कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान आज फिर सड़कों पर। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, एसकेएम के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। कई जगह पर हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे। ये तस्वीरें जरा आपको उपस्थित दिखा रहे हैं जब हाईवे पर किसान पहुंचे के मांगों को लेकर के, जिनकी पहली मांग यही है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। 5 दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है। 4th दौर की बातचीत में सरकार ने 4 फसलों को चिन्हित किया था कि इन 4 फसलों पर आपको एमएसपी मिलेगा, लेकिन किसान उस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार फिलहाल नहीं है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज WTO क्विट डे मना रहा है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्विट डे। इसके तहत किसानों ने अपने ट्रैक्टर को नेशनल और स्टेट हाईवे पर खड़ा किया। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं, 3 तस्वीरें जरा देखिए। एक साथ बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टर के साथ किसान हाईवे पर है, जिसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर उनको रोका। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। आपको पंजाब के डेरा बस्ती इलाके का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर पहुंचे, जिससे डेरावस्सी में नेशनल हाईवे की एक लेन पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान किसानों ने साफ कहा कि वो आज सरकार को केवल ट्रेलर दिखाने आए हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये ट्रैक्टर दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। पंजाब में है, डेरावस्सी का इलाका है और यहाँ पर भी जो चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे है यहाँ पर तमाम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नेशनल हाईवे पर पहुंचे। आप मेरे पीछे देखिए, एक लंबी कतार है ट्रैक्टर्स की जो किसान लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि नेशनल हाईवे पर विरोध स्वरूप, खासकर जो WTO की बैठक हो रही है और WTO से जो बाहर निकालने की उनकी मांग है उसके समर्थन में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। और उनकी कोशिश यह है कि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या ना आए, इसलिए नेशनल हाईवे की जो एक तरफ की लेन है वहीं पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश में रघुपुरा एक्सप्रेस वे कट पर भी किसान बैठे हैं। इस जगह पर पुलिस ने उन्हें एक्सप्रेस वे पर चढ़ने से रोक दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा और कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस बीच मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर FIR दर्ज कर ली गई। बशीरहाट पुलिस ने FIR दर्ज की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब सख्त रुख दिखाया उसके बाद बशीरहाट पुलिस को एक्शन में आना पड़ा और बशीरहाट पुलिस ने एक्शन में आने के बाद शाहजहां शेख पर आखिरकार एक FIR दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला गर्म है अभी भी। आरोपी शाहजहां शेख फरार है। इस बीच संदेश खाली से बड़ी खबर सामने आई है कि संदेश खाली में एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटा है।
टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर में तोड़फोड़ हुई है। गुस्साई महिलाएं वहां पहुंची और शंकर सरदार के घर पर पत्थर फेंके। मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। टीएमसी नेता हल्दर अली के घर के पास आग लगाई गई। हालांकि कोई पहले मौका नहीं जब संदेश खाली में सब्र का बांध महिलाओं का टूटा हो। एक दिन पहले वहां महिलाओं को गुस्सा फूटा। 25 फरवरी को स्थानीय महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और एक बार फिर महिलाओं को गुस्सा फूटा। इस बार महिलाओं ने टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर को निशाना बनाया। ये दो तस्वीरें देखिए, 26 फरवरी और उससे ठीक 24 घंटे पहले की तस्वीरें। 25 फरवरी की जहां महिलाओं के सब्र का बांध टूटा। और आगे दिखाएंगे आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे राजघाट। उससे पहले देखिए आप जरा देश और दुनिया की टॉप पॉलिटिकल अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड के सिंदरी और धनबाद में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां आरामबाग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं 3 मार्च को पीएम कृष्णानगर जाएंगे और उसी दिन बिहार के औरंगाबाद में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह कानून पर बोलते हुए सीएम हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों को डिनर देंगे। आज रात 8 बजे लोकभवन में डिनर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में एनडीए के सभी विधायकों को बुलाया गया है। सीएम योगी ने सहयोगी दलों के नेताओं को भी डिनर में आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में कल राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। अखिलेश ने कहा कि विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिंहभूम से सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। गीता कोड़ा कथित तौर पर झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी गठबंधन से नाखुश थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर बीजेपी पर जमकर बरसे। विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल और कहा कि बीजेपी पर जमकर भड़ास निकालते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर आप विधायकों ने उन्हें विधानसभा में सलामी। इस बीच सीएम केजरीवाल आज एक बार फिर ईडी के समर्थन पर पेश नहीं हुए और कई तरह के आरोप लगाए। में जो सारी सरकारें कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किया है, तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। वो चाहते हैं कि हम अपना गठबंधन, हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार, जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना, वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट भी, कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है। इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम।